हाय नमस्ते। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन लॉलीपॉप रेसिपी। बहुत ही सिंपल आसानी के तरीके से बना सकते हैं, टेस्टी यम्मी रेसिपी है। आप लोग इस तरीके से बना के पक्का ज़रूर खाइएगा। देखते हैं कैसे बनती है। चिकन पीस लिया है इस तरीके से 300 ग्राम, पानी से अच्छे से धुल के लिया है। इसमें डालेंगे एक चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर टेस्ट के अनुसार, नमक। इसमें डालेंगे दो चम्मच तेल। आप लोग फूड कलर भी ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हैं, कलरफुल अच्छा दिखता है। मैं नहीं डाली हूँ। अभी हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। अभी मिक्स करने के बाद ढक्कन रख के आधा घंटा के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, या तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। आधा घंटा हो गया है। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच सोया सॉस, एक चम्मच रेड चिल्ली सॉस, आधा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, डेढ़ चम्मच कॉर्नफ्लोर, क्रिस्पीनेस के लिए कॉर्नफ्लोर डालना है, डेढ़ चम्मच मैदा पाउडर। जितना कॉर्नफ्लोर लिया है उतना मैदा लेना है। अभी हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। अभी थोड़ा आपको मिला मिक्स करने में दिक्कत होगा तो इसमें दो चम्मच तेल या दो चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। आधे 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। तब तक हम लोग कढ़ाई गरम हो चुका है, इसमें डीप फ्राई के अनुसार तेल डालेंगे। तेल को हाई फ्लेम में गरम करना है। तेल गरम हो गया, अभी पीसेस डाल के फ्राई करेंगे। दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। गैस को मीडियम फ्लेम में रखना है, नहीं तो चिकन अंदर कच्चा रह जाता है, ऊपर कच्चा कलर आ जाता है, इसलिए मीडियम फ्लेम में रख के दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। देखिए कितना अच्छा कलरफुल दिख रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, नीचे बेल आइकन क्लिक करिएगा ऑल करके। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करना ना भूलिए। आप लोग भी एक बार बना के आइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है, अभी प्लेट में निकालेंगे। बाकी पीसेस भी इस तरीके से फ्राई करेंगे। देखिए ये सारे मैंने फ्राई करके प्लेट में लिया हूँ। अभी और टेस्टी बढ़ाना है तो इस तरीके से फ्राई पैन गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। इसमें डालेंगे आधा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। गैस को मीडियम फ्लेम में रखना है, नहीं तो मसाला जल जाता है। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर आधा चम्मच, टेस्ट के अनुसार नमक। ऑलरेडी हमने पीसेस में डाला है नमक, इसलिए थोड़ा ही डालेंगे। अब इसमें डालेंगे टमेटो सॉस एक चम्मच, एक चम्मच रेड चिल्ली सॉस, गैस को मीडियम लो फ्लेम में रखना है, या तो मसाला जल जाएगा। मसाला जलेगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। देखिए थिक सॉस बन चुका है, इतना कलरफुल दिख रहा है इसमें ये वाली सॉस। अभी चिकन पीस डालेंगे इसमें, दो मिनट फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे फ्राई। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाली रेसिपी, ज़रूर आपका फैमिली में सभी को पसंद आएगा। सिंपल इजी तरीके से हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसमें डालेंगे कटी हुई धनिया पत्ता, या तो स्प्रिंग ऑनियंस भी डाल सकते हैं। अभी प्लेट में निकालेंगे, फॉइल पेपर छोटे छोटे टुकड़ा लेके चिकन को इस तरीके से रखेंगे। फॉइल पेपर कलरफुल अच्छा भी दिखेगा, डेकोरेशन बढ़िया रहेगा ये वाली। देखिए कितना यम्मी दिख रहे हैं।
देखिए बहुत ही अच्छा रेसिपी बन गया है, ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिए। देखिए अभी कितना अच्छा कलरफुल दिख रहे हैं, और प्याज के साथ नींबू के साथ खाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।